उल्लू और बिजली का डर। एक बार की बात है, एक उल्लू था, उसका नाम था पीकू, जो बहुत ही मिलनसार था और एक बड़े पेड़ पर रहता था। वह बहुत शरारती भी था, लेकिन वह हमेशा अपनी माँ की बात जरूर मानता। एक दिन बहुत ज्यादा मौसम खराब हुआ, जोर जोर से बारिश होने लगी, बिजली कड़क रही थी। पिंकू को बिजली से बहुत डर लगने लगा। पिंकू बिजली को देखने लगा और अपनी माँ से कहने लगा, माँ, देखो बिजली चमक रही है, मैं बाहर जाकर बिजली को देखना चाहता हूँ। तभी उसकी माँ ने कहा, पिंकू बेटा, बिजली बहुत जोर से चमक रही है, हम ऐसे नहीं देख सकते, ये बहुत खतरनाक होती है, तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। माँ, मुझे बिजली को देखना है, वह देखने में कैसी होती है, मुझे देखने दो ना। पिंकू बहुत जिद करने लगा। माँ ने उसे डांटा और सोने चली गई, लेकिन पिंकू नहीं माना। पिंकू बहुत जिद्दी था, वह अपने खोल में से बाहर निकला और बिजली को देखने लगा। अरे वाह, क्या नजारा है, माँ तो ऐसे ही मना कर रही थी, कितनी सुंदर और चमकदार बिजली है, इससे तो डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन थोड़ी ही देर में जोर से बिजली कड़की और पिंकू उसे आँख खोल खोल कर देख रहा था। थोड़ी देर बाद जब बिजली बंद हुई तो पिंकू को हर जगह काला काला ही नजर आ रहा था, उसे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। वह रोने लगा और जोर से कहने लगा, माँ, माँ बचाओ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अचानक बिजली को देखते देखते आंखों में अंधेरा छा गया है। तभी पिंकू की माँ आई और बोली, बेटा मैंने तुम्हें कहा था ना, बिजली को मत देखो। पिंकू की माँ तुरंत उसे सांप वैद्य के पास ले गई। सांप ने पिंकू की आँख देखी और बोलने लगा, पिंकू बेटा घबराओ मत, मैंने ठंडी पट्टियाँ तुम्हारी आंखों पे रखी हैं, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, ये तो अच्छा हुआ कि तुम अंधे नहीं हुए, थोड़ी देर में तुम्हें दिखने लग जाएगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। पिंकू की माँ ने सांप को धन्यवाद कहा और पिंकू को अपने घर वापस ले गई। जब पिंकू बिल्कुल ठीक हो गया तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे माफ कर दो, दोबारा ऐसा नहीं होगा, मैं तो हमेशा तुम्हारी बात मानता हूँ, आज मुझसे ये गलती कैसे हो गई, मुझे माफ करो। माँ ने पिंकू को गले से लगा लिया। राजा शेर। एक जंगल में राजा शेर बहुत समय से राज कर रहा था, उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी, लेकिन अचानक जंगल में सूखा पड़ा, सभी जानवर धीरे धीरे बिना पानी के मरने लगे। एक दिन शेर को भी बहुत प्यास लगी, वह पानी की तलाश में भटक रहा था, उसकी हालत बहुत खराब थी। काफी दूर तक चलने के बाद शेर को एक तालाब नजर आया, शेर बहुत खुश हो गया। शेर ने देखा तालाब में पानी बहुत कम था, शेर जैसे ही पानी पीने लगा उसने देखा अचानक वहाँ एक भालू आ गया। ठहरो, मैं बहुत प्यासा हूँ, दूसरे जंगल से आया हूँ, इसीलिए पहले मुझे पानी पीने दो, पहले पानी मैं पीऊंगा। दुष्ट जानवर, क्या तुझे पता नहीं मैं जंगल का राजा हूँ। किसका जंगल, कौन सा जंगल, मेरा कोई राजा नहीं, पानी तो सिर्फ मैं ही पीऊंगा। मूर्ख, तू जहाँ से भी आया है पानी को नहीं पी पाएगा, और ये मेरा पानी है, मैं कभी अपना पानी किसी को नहीं पीने देता। तुम मुझे क्या मारोगे, अब तुम कौन से राजा हो, सभी जानवर मर चुके हैं, पहले अपनी हालत तो देख लो, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि मुझे मार सको। शेर और भालू लड़ने लगे, अचानक वहाँ गिद्ध आ गया। अरे ये दोनों कैसे लड़ रहे हैं, अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो दोनों एक दूसरे को मार देंगे, हाँ यही सही रहेगा, और वैसे भी जब इतना सूखा है मेरे तो बड़े मजे हैं, हर जगह भोजन ही भोजन है। तभी भालू की नजर ऊपर गिद्ध पर पड़ी, तब उसने शेर से कहा, अरे ये क्या गिद्ध, लगता है ये हमारे मरने का इंतजार कर रहा है, शेर भलाई इसी में है, हम आधा आधा पानी पीकर यहाँ से अपने अपने रास्ते निकल जाएं,
नहीं तो तुम मुझे नहीं छोड़ोगे और मैं तुम्हें। हाँ, तुम सही कह रहे हो। एक दूसरे को हानि पहुंचाने में कोई फायदा नहीं। इस गीत की नजर हम दोनों पर है। दोनों ने बड़ी समझदारी के साथ तालाब के पानी को मिल बांट कर पी लिया और अपने अपने रास्ते चल पड़े। आकाश में गिद्ध के हाथ निराशा लगी और वो भी वहाँ से चला गया। हमें व्यर्थ में लड़ने की बजाय बुद्धि से काम लेना चाहिए। मिट्ठू तोता अपने पेड़ पर बैठा सभी की नकल उतारता रहता था। जो भी कोई बात करता, तोता हर बात दोहराता। एक दिन चिड़िया वहीं पेड़ के पास बैठी हुई थी। आज मौसम बहुत अच्छा है। चिड़िया जो कहती, मिट्ठू उसे दोहराता। आसमान कितना सुंदर लग रहा है। बस करो मिट्ठू मेरी नकल मत उतारो। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मैं जा रही हूँ। इतना कहकर चिड़िया वहाँ से चली गई। बड़ा मजा आया चिड़िया के साथ, मगर वो नाराज क्यों हो गई? चलो जाने दो। मिट्ठू की यह आदत सभी को बुरी लगती थी। सब उसे समझाते भी थे। एक दिन उसके साथी तोते ने उसे समझाया। मिट्ठू, क्यों सताते हो सबको? ये अच्छी बात नहीं है। किसी दिन यही आदत तुम्हें फंसा देगी। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा। कभी किसी को तंग नहीं करना चाहता। मैं तो बस मस्ती करता हूँ। एक दिन मिट्ठू पेड़ पर मजे से बैठा अमरूद खा रहा था। तभी उसने दो शिकारियों को बात करते हुए सुना। आज रात ही जंगल में आकर सभी जानवरों का शिकार करेंगे। खूब मजा आएगा। तुम ठीक कहते हो दोस्त, ये काम आज रात ही होना चाहिए। शिकारी हंसते हंसते वहाँ से चले गए। मिट्ठू यही बात दोहराने लगा जो शिकारियों से उसने सुनी थी। आज रात ही जंगल में आकर सभी जानवरों का शिकार करेंगे। खूब मजा आएगा। तभी पेड़ के पास से शेर गुजरा और उसने मिट्ठू से पूछा। क्या बात है? क्या बोल रहे हो? ऐसा क्यों कह रहे हो मिट्ठू? महाराज, ऐसा दो शिकारी हम बात कर रहे थे। मैं तो वही दोहरा रहा था। शेर ने उस रात पहरा दिया और उन्हें देखकर हैरान रह गया कि सच में दो शिकारी जंगल में शिकार करने पहुँचे हैं। शेर ने जोर से दहाड़ मारी और शिकारी दुम दबाकर भाग गए। शेर ने मिट्ठू को बुलाकर शाबाशी दी और सभी ने मिट्ठू की तारीफ की। बहुत शुक्रिया। और मिट्ठू की इस आदत ने सभी जानवरों की जान बचा ली। प्लीज सब्सक्राइब।